हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग शॉट राइट्स मेरे दोस्तों लगनी जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर आपका लगेज प्रॉपरली आपने टाइम नहीं किया हुआ तो बाइक का बैलेंस और आपका कंफर्ट और पीरियड का कंफर्ट भी जो है कॉम्प्रोमाइज होता है। इसी के लिए आज जो प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूं वो है दोस्तों गोल्डन राइडर का सैडल बैग। ये है गोल्डन राइडर का सैडल बैग मिनी 48 वर्जन 2 है दोस्तों। इसको डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं क्या ये सैडल बैग आपकी राइडिंग कंफर्ट को एक्चुअल में इंक्रीज कर पाए एंड इसकी फीचर डिटेल वो भी जानेंगे, बट इसको कंपेयर ही करने वाले हैं एक और प्रोडक्ट के साथ में जो कि गोल्डन राइडर का ही है मिनी लेदर। अब दोस्तों ये बेसिक जो है इसका फीचर्स भी जो है आखिर में इसको कंपेयर करेंगे इस दोनों में से कौन सा जो आपको परचेज करना चाहिए, बिकॉज प्राइस का डिफरेंस थोड़ा सा ही है बट फीचर्स भी जो है बहुत सारे चेंजेस हैं। तो क्या है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो मेक श्योर इफ यू आर विल हियर टू सन पे। दोस्तों कुछ इस तरह से जो है ये लुक करता है जैसे आप इसको अपने बाइक पे जो है इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों इसको अटैच और डिटैच करना दोनों ही बहुत इजी है, उस पर भी आएंगे, बट पहले थोड़ा बैग का डिटेल दे देता हूँ। दोस्तों ये बैग है गोल्डन राइडर का मिनी 48 वर्जन 2। दोस्तों ये 48 लीटर्स के बैग हैं, दोनों का अगर बात की जाए 24 लीटर्स के बैग है। आराम से 8-9-10 दिन की अगर ट्रिप कर रहे हैं ना, तो दो लोगों के लिए सारे जो जितने भी एसेसरीज होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप जो है ईजिली कैरी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका राइडर एंड पिलियन दोनों बैठ के जो है ईजिली कम्फर्टेबली जो है राइड भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ में दो एसेसरीज और आती हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये शोल्डर स्ट्रैप है, जिससे कि आप इसको शोल्डर पर जो है आराम से जब आप नाइट में जैसे होटल में चेकिंग कर रहे हैं निकाल रहे हैं इसको, तो शोल्डर पर डाल के जो आप कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है इसका वाटरप्रूफ कवर है, जिससे कि आप इसको टोटली वाटरप्रूफ बना सकते हैं। रेन में भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो इसको आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड राइड कर सकते हैं। इसको भी मैं लास्ट में जो है फिट करके दिखाता हूं इसको। एंड इसको इंस्टॉल करने का डिटेल अगर दूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रहा हुक, जहाँ से आपको एक स्ट्रैप निकाल के जो है यहाँ पर आराम से टाई करना है। इसको आप इजीली पुल करके जो है एडजस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद में ये बिल्कुल भी जो है हिलेगा नहीं। एंड अच्छे ग्रिपिंग के लिए दोस्तों इसमें यहाँ पर स्ट्रैप्स भी दिए होते हैं, जिससे कि आप मल्टीपल जगहों पे जो है इसको टाई कर सकते हैं। एंड ये हर 3 पॉइंट्स पे जो है आपको दिया हुआ है, ये देखिए। एंड दोनों साइड में ही जो है दिया हुआ है ताकि आप हर जगह इसको नॉट कर लें अच्छे से एंड उसके बाद में वो ग्रिपिंग आराम से बने, ताकि राइडिंग के टाइम पर कोई भी डिसबैलेंस का प्रॉब्लम या फिर बैग हिलने विलने का प्रॉब्लम जो है ना हो। एंड ये तीनों अपने अच्छे से जो है आपको करना है एंड ये ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। एंड अब अगर थोड़ा बैक के बारे में डिटेल दो तो ये जो अगर आप रेयर एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है रिफ्लेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये रिफ्लेक्टर्स हैं, नाइट में थोड़ा अच्छी विजिबिलिटी देते हैं। एंड ये एरिया है जिसमें आप कोई जेरिकिन जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और एक एरिया जो है फ्रंट में भी दे रखा है यहाँ पर कुछ, जिसमें आपको एसेंशियल जो है कैरी करना है तो यहाँ पर भी आप एसेंशियल्स को कैरी कर सकते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं पुल बकल स्ट्रॉन्ग है एंड इस तरह से जो आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्डन राइडर का जो है बैजिंग है, यहाँ पे भी गोल्डन राइडर की बैजिंग जो है आपको दिखाई दे रही है। एंड इसको इस तरह से ओपन करते हैं तो ये मटेरियल जो है आप देख रहे हैं, अब इसमें कवर नहीं लगाया हुआ है, फिर भी ये वाटर रेसिस्टेंस है एंड अच्छा थिकनेस और अच्छा कुशन जो देती है। फैब्रिक भी अगर आप देखेंगे तो ये वाटर रेसिस्टेंस है, थोड़ा नॉर्मल अगर बारिश वारिश भी हल्की फुल्की भी हो रही है तो भी कवर की उतनी जगह जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसके अंदर पानी नहीं निकल जाएगा। एंड इसके अंदर जितनी भी चेन यूज़ की गई ना, अगर आप चेन देखेंगे दोस्तों तो ये रिवर्स चेन है, जिससे कि पानी जो है इसके अंदर कम से कम जाए। एंड ये जो अगर आप देखेंगे टॉप एरिया, तो यहाँ पर कुछ भी आप एसेंशियल चीज़ें रख सकते हैं जो कि आपके सामने विजिबल हो, है जो कि लोग नॉर्मली भूल जाते हैं। यहाँ पर एक हुक दे रखा हुआ है एंड हुक में कुछ भी चीज़ आप जो बांध सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ गीले क्लोथ्स हैं उसको आपने एक पॉलिथिन में डाला हो तो पॉलिथिन को यहाँ हुक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर भी एक जो है जिप दे रखी है, जिसमें कि आप अपने एसेंशियल चीज़ें जो कि इजीली एक्सेसिबल हो यहाँ पे जो है डाल सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। एंड आप आते हैं मेन एरिया में एंड ये डबल चेन्स है, ठीक है, तो बाई चांस अगर एक का रनर अगर कभी राइडिंग के टाइम पे खराब वराब भी हो जाता है तो दूसरे रनर से जो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो सी द स्पेस, इसमें आराम से जो है 10-12 जोड़े जो है कपड़े आराम से आ सकते हैं एंड कुछ और एसेंशियल चीज़ें भी जो है आराम से इसमें आप डाल सकते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुशन जो है दिया हुआ है, ताकि अपना कुछ अगर लैपटॉप या ऐसा कुछ कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पैडेड रहे, ठीक है। इसके नीचे बॉटम में जो है ये थोड़ा
हार्ट जो है दिया रहता है ताकि आप थोड़ा बैक का शेप जो है मेंटेन रहे इस तरह से। तो आप स्पेस देखते हैं, बहुत स्पेस है, अगर स्मार्टली अगर पैकिंग की जाए तो बहुत अच्छी पैकिंग जो है इसके अंदर होती है, स्पेस बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर, 24 लीटर्स एक्चुअल में देखने में लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जा सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि दो राइडर्स के लिए जो है दो एरिया दे रखे हैं, आराम से आप जो है अपने अपने सेपरेट करके ईजिली जो है लगा सकते हैं। राइडर पिलियन के लिए सारी असेंशियल चीज़ें जो है इसमें आराम से कैरी हो जाएंगी। तो दोस्तों आप देखते हैं कुछ इस तरह से जो है आप वाटरप्रूफ कवर को ईजिली इंस्टॉल भी कर सकते हैं, दोनों तरफ में जस्ट आपको कवर करना है। एंड यहाँ पे जो है इसका आप देखें सेंटर पे, ताकि पिलियन जो है जो पिलियन राइडर है वो भी इजिली कंफर्टेबली बैठ सके। तो जैसे मैंने कहा था कि मिनी बेसिक का भी जो है इसी में डिटेल दूंगा, थोड़ा कंपेयर भी करेंगे फीचर्स में। हालांकि फीचर्स में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, हालांकि क्वालिटी जो है वो सेम टू सेम आपको मिलने वाली है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे गोल्डन राइडर की बैजिंग जो है आपको दिख रही होगी इस यहाँ पर और यहाँ पर, एंड ऊपर का पूरा फैब्रिक मटेरियल सेम है। इवन बकल की जो क्वालिटी है वो भी आपको सेम टू सेम मिल जाती है। यहाँ पर रेयर में आपको रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पर मिल जाता है, एंड यहाँ पे कुछ भी आप चेरी कीन वाटर बॉटल या कुछ भी एसेंशियल चीज़ें रख सकते हैं रेयर में। और फ्रंट में जो है यहाँ पे नेट दे रखा हुआ जिसमें कि आप कुछ भी एसेंशियल चीज़ें यहाँ पे भी रख सकते हैं। अब इस बैक को थोड़ा रिवर्स किया जाए तो सेम इसको अटैच और डिटैच करना सेम टू सेम ईजी है। दूसरे बैग के साथ में जो है यहाँ पर स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है आप लगा सकते हैं इजिली। एंड कुछ मल्टीपल और स्ट्रैप दे रखे हैं ताकि आप बैग को जो है ईजिली बाइक में टाई कर सकें, ताकि हिले डुले ना बैग जो है बिल्कुल भी, एकदम अच्छे से ग्रिप करके रखे। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये शॉक अब्जॉर्बर टाइप का होता है, जो सस्पेंशन के जो शॉक्स लगते हैं वो बैग में ना आए और बैग यहाँ से फटे नहीं, उसके लिए जो है ये दिया हुआ है। अब देखते हैं बैग के अंदर बाकी क्या फीचर्स है दोस्तों। तो पिस्टल को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे जो है मिनी 48 वर्जन 2 में चेन मिलता है, बट यहाँ पे वेलक्रो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी आप एसेंशियल रख सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा हो जो यहाँ पे मिलता है वो नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो एरिया मिलता है दोस्तों ट्रांसपेरेंट वाला, वो भी इस में बेसिक में आपको नहीं मिलेगा। एंड चेन सेम रिवर्स चेन ही मिल रही है आपको इसमें, ताकि वाटर जो अंदर ना जाए। वाटर रेजिस्टेंट ये भी बैग है दोस्तों, इसके अंदर देखते हैं बाकी सभी चीज़ें। तो रेन कवर मिल रहा है इसके साथ में, सेम टू सेम रेन कवर जो है इसके अंदर भी दिया हुआ है। इवन जो एरिया है दोस्तों 48 का, जो 24 लीटर्स का जो है वो सेम टू सेम आपको मिल जाता है। इसमें भी सेम आपको हार्ड, ताकि नीचे जो आप यहाँ पे लगा सके, बट इसमें कोई भी आपको लैपटॉप एरिया जो है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुशन जो है वो दिया हुआ है, बट लैपटॉप एरिया इस बैग में नहीं आता है, बेसिक में आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके लिए आपको जो है मिनी 48 जो है वर्जन 2 आपको परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखे दोनों ही गोल्डन राइडर बैग, एंड दोनों में जो कवर है वो सेम टू सेम आता है, वाटर प्रूफ है। एंड बेसिक जो है दोस्तों वो थोड़ा बेसिक फीचर्स के साथ ही आता है, नाम बेसिक दिया हुआ। एंड ये जो मिनी 48 वर्जन 2 है दोस्तों, ये राइडर्स की जितने भी अपडेट्स आप देना उसके हिसाब से जो इसको बिल्ड किया बनाया हुआ। तो टाइम टाइम गोल्डन राइडर जो इसको अपडेट करते रहता है, एंड इसीलिए मैंने इसको मंगाया, क्योंकि फ्यूचर में एक अपकमिंग राइड आ रही है, तो मास्टर की थोड़ा सा अपने बैग को भी अपग्रेड करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अपग्रेड किया। एंड दोनों की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो मैंने कहा था जैसे कि 700-750 रुपये का फर्क है दोनों में। तो जो बेसिक है दोस्तों वो 2250 का है, एंड जो मिनी 48 है दोस्तों वर्जन 2 ये है दोस्तों 2999 का। ये गोल्डन राइडर साइड से बाय कर सकते हैं, एंड चाहे तो आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। दोनों जगह पे सेम प्राइसिंग भी आपको मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जरूर चेक आउट करिए। एंड ऐसे बैग्स में दोस्तों आपकी बाइक का बैलेंस मेंटेन करते हैं, राइडर का कंफर्ट भी रहते हैं, एंड आपका लगेज भी अच्छा लगता है। लुक जो है, लुक जो बाइक का एस्थेटिक होता है जो राइड पर होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा जो है इन्हेंस होता है। एंड फीचर बैग है दोस्तों टोटली थम्स अप मेरा, मैंने जैसे बताया बहुत सालों से यूज करो, तो डेफिनेटली आप फर्टिस रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिए और देखते रहिए, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आप भी आते रहेंगे। बाय।